हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर मोर अपडेट्स फॉर इम्पोर्टेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो भी JNU यूनिवर्सिटी है, जैसा कि मैंने 2019 के बैच को बताया था, जैसे कि उन लोग अप्लाई करना मिस कर चुके थे, तो ऐसा कोई सा भी इंस्टीट्यूट बताओ सर। कमेंट किए थे, मेल किए थे कि और भी कोई इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए, तो मैंने JNU के बारे में बताया था, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, NIRD जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हैदराबाद में, उनके बारे में बताया था, टाटा धन अकाडमी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के बारे में बताया था, एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च। तो ये सारे प्रोग्राम के बारे में आपको बताया था कि ये सब कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अप्लाई करते हो। तो वैसे ही आज JNU का जो ऑफिशियल कटअप 2019 का जो भी प्रोग्राम में रहा था वो रिलीज हो चुका है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में, लिंक देख लो, आप लोग भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड कैसे करना और क्या क्या जरूरी है मैं बता दूंगा। ये देखो admission.jnu.ac.in, तो ये रहा हमारा लिंक, ठीक है, और लास्ट पेज में आना लिंक के कटअप लिस्ट प्रोग्राम ऑफ ACT MU and B, तो बैचलर प्रोग्राम की भी कटअप है B4, ठीक है, तो देख लो ये जो कट ऑफ गया है, ये देख लो यहाँ पे आपका कट ऑफ आ चुका है JNU का एंट्रेंस। थोड़ा इसको लार्ज करता हूँ, देख लो JNUEE जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है 2019 का कट ऑफ निकल के आ चुका है। URSC ST OBC PH EWS FN जो कि EWS का भी कट ऑफ आ चुका है। तो ये जो ब्लैंक है ना, ये जो यहाँ पे ब्लैंक कहीं कहीं देख रहे हो ST की जगह में, FN की जगह में, खासकर ST लोगों की जगह में देख रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब देखो मैं बता देता हूँ, लास्ट पेज में जाना जो डाउनलोड करना, मींस नो कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द कैटेगरी, ठीक है, तो इनमें कोई सा भी स्टूडेंट SC कैटेगरी के सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए ब्लैंक दिया गया। तो कुछ कुछ स्टूडेंट मेरे अप्लाई किए थे क्योंकि मैंने बताया था कि आप इसमें अप्लाई करना ताकि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, तो कुछ कुछ अप्लाई किए थे। MA इन इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड, ठीक है, इकोनॉमी, MCA जो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे सर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिलेक्ट हो चुका हूँ JNU का और NIT का भी, तो किस में जाओ, तो मैंने JNU एडवाइस किया था आपको, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिग डाटा एनालिटिक्स, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि बहुत ही A++ कैटेगरी का कॉलेज है JNU, आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी एक प्रोग्राम था, हाँ, MA इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसमें अप्लाई करना, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्टेड किस में हो, ठीक है, मैं एक भी प्रोग्राम को अच्छा और ख़राब नहीं कहूँगा, सारे प्रोग्राम अच्छे ही हैं, देख सकते हो, अगर आप ये सब सारे प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप JNU के लिए भी अप्लाई करना। क्यों बता रहा हूँ कट ऑफ, क्योंकि आपको 2020 में अगर अप्लाई करना चाहोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास और एक ऑप्शन रहेगा, TIS रहेगा और JNU रहेगी, ठीक है, NIRD रहेगी, बहुत सारे प्रोग्राम हैं इसमें, बहुत सारे डिफरेंट स्टैटिकल कंप्यूटिंग डाटा और इंटरनेशनल स्टडीज़ भी होता है, और ये लैंग्वेज स्टडीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी आपको सिलेक्ट करती है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पढ़ाई होती है, कोई भी देख लो MA इन रसिया, स्पेनिश, चाइनीज़, बहुत ही लिमिटेड कॉलेज जो ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो भी आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो और आपका क्या कैटेगरी है, ठीक है, आपका क्या कैटेगरी है, उस हिसाब से आप अपना कट ऑफ देखो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो 2020 के लिए। तो आई होप आपको जो मैं बताना चाहता था आपको बता पाया हूँ, देख लो MA इन फ्रेंच, MA इन जर्मन लिटरेचर, बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितना भी कट ऑफ गया है आप देख लो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो फ्रेंड्स थैंक यू, इसी तरह मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा, थैंक यू।